बढ़ती बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस ने चौराहे पर पकोड़े बेचकर किया विरोध प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में नई भर्ती प्रक्रिया बंद होने से युवा डिग्री लेकर घूम रहा है। आलम यही है कि अब युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। पोहरी में बुधवार को कांग्रेस यूथ सेवा दल जिलाध्यक्ष शिवांश जेमनी के नेतृत्व में पोहरी मैन चौराहे पर युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी की समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सड़क पर पकौड़े बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस जिला महासचिव बंडी शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी बढ़ गई है। शिक्षित बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह में 2 करोड़ युवा देश में बेरोजगार हो गए हैं। आज युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा आज पकौड़े तलकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कांग्रेस यूथ सेवा दल जिलाध्यक्ष शिवांश जेमनी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कई शासकीय विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन सरकार उन रिक्त पदों के लिए भर्तियां तक नहीं निकाल रही है। ऐसे में देश का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि युवा खुदकुशी कर रहा है लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बावजूद इसके सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। वही लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। देखिए मोदी जी ने जब देश में अपनी सरकार के लिए वोट मांगे तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। आज देश में गलत GST नोटबंदी और लॉकडाउन के चलते करोड़ों और लाखों युवाओं अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और परेशान है। कई युवा उनके परिजन अपनी डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने लाखों रुपए लगाए और आज वे मजबूर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए और रोजगार की मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से और शिवराज सरकार से। उसी के विरोध में आज हमने पोहरी चौराहे पर पकौड़े तलकर ये रोजगार मांगने के लिए मोदी की सरकार को और शिवराज की सरकार को चेताया है कि आप हमें रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।